भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय का 16 अक्टूबर को उद्घाटन होना है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, भाजपा प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश, सांसद विधायक आदि शामिल होंगे। उसी कार्यक्रम के बाद जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित होगा। इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर आज जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग और दोनों सांसद विधायकों की पार्टी पदाधिकारी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। ऑडिटोरियम में हुई इस बैठक के दौरान 16 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाने और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर चर्चा की गई। तो ऊपर हमारा कोई लक्ष्य है और इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम संगठन के विस्तार की बात करते हैं, सुव्यवस्थित संगठन की स्थापना की बात करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से हम नीचे तक विस्तार करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा एक व्यवस्थित कार्यालय है। क्योंकि कार्यालय में ये मानता हूं, यदि आप किसी संगठन को मानव शरीर के रूप में देखो तो अलग अलग जो प्रकल्प है वो उस मानव शरीर के अलग अलग शरीर के अंग होंगे, और यदि हम कार्यालय की बात करें तो उस मानव शरीर का पेट होता है कार्यालय, कहा जाता है ना। यदि संचालन होता है किसी व्यक्ति के जीवन का या उसके शरीर का, तो वो पेट से होता है। आयुर्वेद के जो जानकार होते हैं, जो आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं, उनका ये कहना है। और यदि हम संगठन को एक शरीर के रूप में देखें तो कार्यालय भी उसका पेट होता है। यदि संगठन ठीक चलाना है तो व्यवस्थित कार्यालय होना चाहिए। व्यवस्थित कार्यालय, कार्यालय की संरचना, कार्यालय की कार्य पद्धति, और जैसा मैंने कहा कि इस राजनीतिक दलों की भीड़ में भारतीय जनता पार्टी इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यदि हम विस्तार करते हैं संगठन का तो इस देश में एक ही राजनीतिक दल है जो पूरे देश में हर जिले में अपना कार्यालय बनाने की भी पूरी प्रक्रिया का निर्वहन करता है। निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि विदिशा में हमारा सुव्यवस्थित कार्यालय बनकर तैयार हुआ है। यह हम सबके लिए बहुत फख्र की बात है। जिसको हम मां मानते, जिस पार्टी का झंडा लेकर हम अपने जीवन के अंतिम क्षण तक समाज की